मैं बताऊंगी। उन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया, मुझे गायब। मैडम किसके हुक्म पे गिरफ्तार किया गया आपको? हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन जो मुझे लेके जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कहा कि राणा सनाउल्ला और शहबाज शरीफ। आपकी आपकी साहबजादी तो किसी और का नाम ले रही है, आपकी साहबजादी तो किसी और का नाम ले रही है मैडम। अच्छा भाई, मैं आप पूरा बताऊंगी जो इन्होंने तशद्दुद किया है मेरे पे। मैडम इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार करने का कहा जा रहा है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? पूरी कौम निकली हुई है इन चोरों के खिलाफ और जो खुफिया इदारे हैं उनके खिलाफ। आपको पता था? नहीं भाई, मैं तो कहीं जा रही थी, मेरी गाड़ी रोकी, गाड़ी से घसीटा कोसार थाने वाले यूनिफॉर्म पुलिस वालों ने। मैडम ये नहीं समझती, जो बोया वो काट रहे, जो बोया वो काट के पीटीआई। कोसार थाने के यूनिफॉर्म पुलिस वाले ने एक असिस्ट किया और काली विगो नीति पर सफेद डाला था। और मैं समझती हूँ जिस तरीके से, अगर एंटी करप्शन का कोई चार्ज था, एफआईआर थी, मुझे कोर्ट में पेश करते, मुझे नोटिस भेजते, कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, एंटी करप्शन का मेरे फोन से क्या ताल्लुक? तो जिसने मेरा फोन छीना है, मुझे लगता है ये खुफिया एजेंसीज हैं जिन्होंने मेरा फोन छीना है। और मैं वाजे तौर पर कह रही हूँ DGISPR, ये बंद करो हरकतें, हमारा हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। और आप अगर मुलव्वस है उस कंस्पिरेसी में तो आप जवाब दें कौम को। और मेरा फोन अगर आपके लोगों ने उठाया है, फौरी तौर पे वापस करें। राणा सनाउल्ला, आप अच्छी तरह समझ जाएं, हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपकी पार्टी वाले ने सारी दुनिया को वाजे किया था, आप कातिल हैं 18 लोगों के, आप कातिल हैं मॉडल टाउन के। इस वास्ते आप अगर समझते हैं, पीटीआई आपको नहीं जानती, पीटीआई आपको बहुत अच्छी तरह जानती है और हम आपको आप सबक सिखाएंगे। आप हमें क्या ताने दे रहे हैं कि हमारे लीडर को आप घर से नहीं निकलने देंगे? आप हमें भी नहीं रोक सकते अपने घरों से निकलने के लिए, लीडर तो बात की बात है। आप अपने आप को समझते क्या हैं? हमें पता है आप गुंडा हैं, हमें पता है आप कानून तोड़ने वालों में से हैं और अल्लाह की शान के आप इंटीरियर मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, लेकिन हम आपसे खौफजदा नहीं है। कर लो जो करना है आपने, हमने जो करना है हम वही करेंगे। हम अपनी हकीकी आजादी के लिए निकलेंगे, पूरी कौम निकलेगी। किस किस को रोकोगे आप? किस किस को कोशिश करोगे रोकने की? अपने आप को संभालो, कानून के दायरे में काम करो। और ये जो आपकी इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, जो अमेरिका के कंधों पे और जो इधर डार्क शैडोज हैं उनके कंधों पे पावर में आई है, ज्यादा देर नहीं चल सकेगी। कितनी देर आपको आपके हैंडलर संभालेंगे? इस वास्ते हमें ताने और थ्रेट्स देने के बजाय अपने आप को संभालो। जो जुल्म आप कर रहे हो लोगों पे, खास तौर पे बलूचिस्तान के लोगों पे, उसको पहले दुरुस्त करो, फिर आके ताने दो। अपनी औकात समझ लो राणा सनाउल्ला।